वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन HTML. द फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. इफ ए ब्राउजर कैन नॉट फाइंड एन इमेज विच एट्रीब्यूट वैल्यू विल इट शो इन द प्लेस ऑफ इमेज. कि ब्राउजर विंडो के अंदर अगर आपकी इमेज फाइंड नहीं होती है तो किस एट्रीब्यूट से आप इमेज की जगह कोई भी वैल्यू है वो शो करोगे. तो यहाँ पे आंसर होगा अल्टर. अल्टर अपन IMG के अंदर यूज करते हैं कि जब भी कोई इमेज आपको शो नहीं हो रही है तो उसकी जगह अपन को क्या शो, क्या वैल्यू शो, इसके लिए अपन यूज करते हैं अल्टर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक. अनविजिटेड लिंक का जो डिफॉल्ट कलर है वो क्या होगा, ग्रीन कलर. नेक्स्ट इज विच टारगेट एट्रीब्यूट ओपन ए लिंक डॉक्यूमेंट इन ए न्यू टैब और विंडो. न्यू टैब और विंडो में टारगेट का कौन सा एट्रीब्यूट है जो उसको जो लिंक को ओपन करेगा, तो वो होगा ब्लैंक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज. इमेज इंसर्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं IMG टैग. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज. जब भी अपन को ऑडियो फाइल ऐड करनी हो वेब पेज के अंदर तो उसके URL को स्पेसिफाई करने के लिए अपन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, SRC. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज एन इमेज कैन बी यूज एज अ लिंक इन ए वेब पेज. इमेज को आप एज अ लिंक भी यूज कर सकते हैं तो ये ट्रू होगा, बिल्कुल कर सकते हैं. आपको एंकर टैग के बीच में IMG को डिफाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द IMG टैग इज ए कंटेनर टैग. IMG कंटेनर टैग है, ये फॉल्स है. IMG एक क्या है, फ्री टैग, MPT टैग है. नेक्स्ट इज एन एक्टिव लिंक इज रेड एंड अंडरलाइन. एक्टिव लिंक क्या होगा, रेड और अंडरलाइन होगा, तो ये भी ट्रू होगा. जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं आपके लिंक के ऊपर तो वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और उसका कलर क्या होगा, रेड. नेक्स्ट द लूप एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली प्ले द ऑडियो व्हेन ए वेब पेज इज लोडेड. कि जो लूप एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली प्ले करेगा ऑडियो को जब वेब पेज लोड होगा, तो ये फॉल्स है. उसके लिए क्या आता है, आपका ऑटो प्ले आता है. लूप क्या करता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसको दोबारा प्ले करता है. नेक्स्ट द मूवी टैग इज यूज टू इंसर्ट वीडियो, ये भी फॉल्स होगा. वीडियो इंसर्ट करने के लिए अपने पास वीडियो टैग होता है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द एट्रीब्यूट ऑफ वीडियो दैट शो द कंट्रोल्स ऑन द वीडियो प्लेयर, उसके लिए आता है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट. नेक्स्ट द मैंडेटरी एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग इज HREF. HREF क्या है, मैंडेटरी है, उसके बिना अपन क्या नहीं कर सकते, आप डेस्टिनेशन जो लोकेशन है उसको डिफाइन नहीं कर सकते. नेक्स्ट द टैग इनेबल अस टू डिस्प्ले मल्टीपल डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल विंडो. सिंगल विंडो के अंदर मल्टीपल सेक्शन बनाने हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले करने हैं तो अपन यूज करते हैं iFrame. नेक्स्ट आपका आता है द एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग ओपन ए लिंक डॉक्यूमेंट इन टू ए सेम विंडो. सेम विंडो के लिए आपके पास आता है सेल्फ, अंडरस्कोर सेल्फ. नेक्स्ट द एट्रीब्यूट शो द फ्रेम एज ए पार्ट ऑफ कंटेनर एलिमेंट. एज ए पार्ट ऑफ कंटेनर एलिमेंट अगर आपको अपनी फ्रेम को शो करना है तो अपन यूज करते हैं सेमलेस एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज राइट द एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द ऑडियो टैग. ऑडियो टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो जिसमें आता है SRC, ऑटो प्ले, कंट्रोल और लूप्स. जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है आपने SRC, ऑटो प्ले, कंट्रोल और लूप. ये अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लिंक. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लिंक की अगर अपन बात करें तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर. देखिए यहाँ पर दे रखा है There are 4 link states as described below. इसके अंदर a link, a visited, a over और a active. ये चारों अपन को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं. ये चार अपने क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं जब भी अपन कोई लिंक करते हैं. तो ये अपन किस लिए यूज आते हैं, ये अपने आते हैं कलर, इसके कलर को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट इज हाउ विल यू एड ए वीडियो फाइल टू एन HTML वेब पेज. HTML वेब पेज के अंदर वीडियो फाइल ऐड कैसे करते हैं अपन, तो देखिए अगर अपन को वीडियो फाइल ऐड करनी है तो
तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं इंसर्टिंग वीडियो, तो द वीडियो टैग इज यूज टू इंसर्ट वीडियो इनटू अ वेब पेज। कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो एग्जांपल्स दे रखा है ये अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर बताना है। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड टॉप। सेल्फ और टॉप दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे अपन देख लेते हैं सेल्फ और टॉप के अंदर क्या डिफरेंस है। ये आपको दे रखा है टारगेट एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल लिंक, इसके अंदर दे रखा है एक तो दे रखा है सेल्फ, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो और टैब। सेम विंडो टैब के अंदर अगर अपन को अपना लिंक है वो ओपन करना है तो अपन सेल्फ का यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है टॉप, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। फुल बॉडी ऑफ द विंडो के उसी आपकी टैब के अंदर फुल स्क्रीन के सॉरी फुल बॉडी के अंदर आपका क्या शो होगा, आपका लिंक है वो शो होगा किससे, हैश सॉरी अंडरस्कोर टॉप से। तो ये दोनों आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ द वीडियो टैग। वीडियो टैग में हाइट और विड्थ अपन कैसे सेट करेंगे, तो देखिए हाइट और विड्थ अपन सेट करते हैं इसकी, तो अपन यूज करते हैं क्या वीडियो, तो वीडियो अपन यूज करते हैं तो यहाँ पे दे रखा हाइट, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द वीडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर की हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है विड्थ, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए अपन यहाँ पे ये दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो ये लास्ट का आपके ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये दो कंप्लीट करने हैं। तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।